दिल्ली, कोलकाता, जयपुर और उत्तर प्रदेश की तरह अब उत्तराखंड में भी मेट्रो रेल दौड़ती नजर आएगी। उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार से ऋषिकेश तक मेट्रो ट्रेन चलाने का फैसला किया है। दूसरे चरण में नेपाली फार्म से देहरादून तक मेट्रो ट्रेन संचालित की जाएगी। उत्तराखंड के शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि आज मेट्रो ट्रेन को लेकर हुई हाई लेवल की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि राजधानी देहरादून में रोपवे का निर्माण किया जाएगा। हरिद्वार से ऋषिकेश तक 20 मेट्रो रेलवे स्टेशन बनेंगे। इसमें करीब 1.5 किलोमीटर अंडरग्राउंड का मार्ग होगा। इसके अलावा 32.9 किलोमीटर इस मार्ग की दूरी होगी। करीब 31 किलोमीटर रेल लाइन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही हरिद्वार में PRT संचालित की जाएगी। राज्य में जब हमने मेट्रो की कल्पना की और मेट्रो के लिए हम लोगों ने होमवर्क शुरू किया तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक विषय आया कि इसकी शुरुआत कैसे हो। और जो हमारे विपक्षी लोग हैं वो हमारी जब मजाक बनाते थे कि मेट्रो की बात ये लोग कर रहे हैं, लेकिन हमने उस समय मेट्रो में जो पहला काम किया था वो किया था मेट्रोपॉलिटन एरिया, जिसमें हमने हरिद्वार है, ऋषिकेश है, देहरादून है, रुड़की है, ये सारे क्षेत्र को मेट्रोपॉलिटन एरिया हमने घोषित करने का काम किया। इसके करने के बाद जो मेट्रो की एक परिकल्पना हुई, लेकिन मेट्रो में हमने कहा कि हम हरिद्वार, ऋषिकेश और नेपाली फार्म, देहरादून के अंदर, हरिद्वार के अंदर फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में रुड़की, इस प्रकार से हम मेट्रो की कल्पना करेंगे। बाद में इसके लिए एक अध्ययन हुआ, तैयारी हुई और तैयारी होने के बाद कई प्रकार के चेंजेज हुए। चेंजेज इस रूप में हुए कि उन्होंने कहा कि जो वाइबिलिटी है वो क्या है, खर्चा है तो वो क्या है, इन दोनों पर फोकस करके हुआ। तो उसमें उन्होंने कहा कि जो हरिद्वार से ऋषिकेश है वो मेट्रो वाइबल है, नेपाली फार्म से देहरादून है वाइबल है, लेकिन उसके लिए भी सेकंड फेज होना चाहिए, फर्स्ट फेज में वाइबल नहीं होगी। देहरादून के अंदर अगर हम मेट्रो डालते हैं तो मेट्रो डालने में जो देहरादून की खूबसूरती है, कई जगह वो अंडरग्राउंड जाएगी तो वैसा कॉस्ट बढ़ेगी और ऊपर जाएगी तो जो यहाँ से मसूरी और इत्यादि देखने का एक दृश्य है, साइट सीन है, वो समाप्त हो जाएंगे। इसलिए तय हुआ कि यहाँ पर हम लोग रोपवे का बात करें। हरिद्वार में हमने कहा कि अगर मेट्रो अंदर जाएगी तो वो कई प्रकार का नुकसान होगा, जैसे बहुत बड़ी मात्रा में एक डेंसिटी वाला शहर है तो वो बहुत मात्रा तोड़फोड़ होगी, तो वहाँ हमने कहा कि वहाँ हम PRT करें। इसके अलावा शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक का कहना है कि मेट्रो के संचालन को लेकर सरकार गंभीरता के साथ तैयारी कर रही है। जल्द ही मेट्रो ट्रेन के निर्माण को लेकर टेंडर जारी किया जाएगा। मेट्रो ट्रेन के संचालन, ट्रेन चलाने में करीब 11,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उनका कहना है कि 2024 तक ट्रेन का संचालन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। अब देखना होगा कि वास्तव में सरकार जब इस प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारेगी तो इससे वास्तव में आखिर जनता को इसका कितना फायदा हो पाएगा। पंजाब केसरी TV के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।